नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं माउनो की तरफ से आने वाला स्टूडियो हेडफोन। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हो ये है एक स्टूडियो हेडफोन है, ये कोई नॉर्मल हेडफोन नहीं है जिससे कि आप गाना वगैरह सुन पाओ, सुन इससे भी पाओगे, बट ये एक प्रोफेशनल स्टूडियो वाला आप कह सकते हो हेडफोन है जिसको कि आप स्टूडियो में यूज़ कर सकते हो। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और हमें ये कैसा देखने को मिल जाता है जो कि माउनो की तरफ से आता है। और दोस्तों ये उनके लिए बेहतर रहेगा जो कि आप कह सकते हो सिंगिंग में जाना चाहते हैं या सिंगिंग चैनल खोलना चाहते हैं या पॉडकास्ट करते हैं या डीजे का कोई काम करते हैं, मतलब अगर आप कोई स्टूडियो से रिलेटेड या म्यूजिक से रिलेटेड या ऑडियो से रिलेटेड एक प्रोफेशनल काम करते हो, लाइक आप कह सकते हो कि आप शूटिंग वूटिंग करते हो या शॉर्ट वीडियोस बनाते हो या कोई मतलब अगर आप क्रिएटर हो तो एज अ क्रिएटर भी आपके बहुत काम आ सकता है। दोस्तों आज की तो वीडियो में हम करेंगे इस हेडफोन की अनबॉक्सिंग, बट दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी एक माउनो की तरफ से आने वाला पूरा आप कह सकते हो एक प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप की, इसमें कि अगर आप पॉडकास्ट वास्ट भी करना चाहते हो तो यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन कंसोल की मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, तो इसके लिए भी स्टे ट्यून करिएगा। तो मतलब ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं ये खास तौर से उनके लिए है जो कि एक प्रोफेशनल तरीके से आप कह सकते हो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या सिंगिंग में लाइन में जाना चाहते हैं या पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं या गेमिंग भी करते हैं, मतलब एक क्रिएटर हैं अगर आप, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ करेंगे एक स्टूडियो हेडफोन की अनबॉक्सिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोफेशनल जो सेटअप है उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर में ये हमें माउनो की तरफ से आने वाला हेडफोन क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो सबको जाने की इस वीडियो में बनेगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। सो फाइनल दोस्तों ये है आप लोग के सामने माउनो की तरफ से आने वाला AU MH601 स्टूडियो हेडफोन जो कि एक प्रोफेशनल ऑडियो आप कह सकते हो इनोवेशन है। अगर हम बात करें तो सामने की तरफ यहाँ पर हेडफोन का डिज़ाइन जो है वो मिल जाता है और इधर साइड में यहाँ पर कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं स्टूडियो हेडफोन के, जैसे कि यहाँ पर 50 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, हाई आइसोलेशन ईयर मफ्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, डबल ऑडियो पोर्ट मिलता है, एडजस्टेबल फोल्डेबल आप कह सकते हो इसके हेडबैंड देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी फीचर कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस मेंशन है, आप अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बट अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल है, जैसे वाइट हो गया या रेड टाइप में हो गया, और फोल्डेबल डिज़ाइन है मैंने जैसा कि बताया। तो यही चीज़ें बॉक्स के ऊपर मेंशन की गई हैं, तो चलिए मैं जल्दी से इसको ओपन कर लेता हूँ ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया एंड इसको यहाँ पर मैंने निकाल लिया एंड इसको भी हम ओपन कर लेंगे एंड दैट्स इट। फिर आई थिंक इसको हमें स्लाइड करके निकालना है एंड जी हाँ, बॉक्स के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, एक गाइड होगी आई थिंक, जी हाँ, तो यहाँ पर हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है बस, और बॉक्स में हमें कुछ देखने को नहीं मिलता है। अगर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमें हेडफोन देखने को मिल जाते हैं जिनका कि कवर जो है वो ऊपर से ऐसे रिमूव होगा कुछ, एंड यहाँ पर आपको हेडफोन ऐसे रखे हुए मिलते हैं। तो यहाँ पर जो केबल मिलती है हम इसे यहाँ पर निकाल लेते हैं और इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये एक्सपेंड हो जाएगी केबल, तो काफ़ी अच्छी बात है। और इस केबल में एक ख़ास बात और है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो पहले यहाँ पर हम बढ़ते हैं हेडफोन की तरफ अपने, तो हम हेडफोन को भी यहाँ से रिमूव कर लेंगे एंड दैट्स इट, बॉक्स में हमें और कुछ नहीं मिलता है तो इसको हम रख लेते हैं साइड में। और हाँ, एक हमें सिलिका जेल भी देखने को मिल जाता है। तो अब अगर हम आते हैं फाइनल हेडफोन की तरफ, तो हेडफोन का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब ऊपर साइड में आपको माउनो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और ये एडजस्टेबल है, मतलब अगर आप इन्हें एडजस्ट करना चाहते हो तो ये एडजस्ट भी हो जाएंगे, लाइक समथिंग दिस, आप इन्हें एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ नंबर्स भी पड़े हैं जैसे कि 0405 0607, तो यहाँ पर आप इन्हें एडजस्ट भी कर सकते हो। और ये कुशन में आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतरीन दे रहे हैं। इधर आपको आर मेंशन मिल जाता है राइट लेफ़्ट, और इधर आपका एल देखने को मिल जाता है, तो इसको हम अभी कर देते हैं क्लोज। एंड यहाँ पर जो आपको हेडफोन देखने को मिल रहे हैं वो सच में बहुत अमेजिंग है। दोस्तों यहाँ पर आप खास बात एक देख पा रहे होगे कि ये रोटेबल है, मतलब अगर आप इन्हें पूरा बंद करना चाहते हो तो ये ऐसे क्लोज भी हो जाएंगे, या पूरा अगर ऐसे इस साइड करना चाहते हो तो आपने देखा होगा कल कभी टीवी शोज में क्या होता है कि सिर्फ कोई मतलब गाना सुन रहा होता है तो वो क्या करता है, सिर्फ एक कान में लगा के ऐसे सुन रहा होता है। तो ये प्रोफेशनल आप कह सकते हो हेडफोन है, जिसमें मतलब आप ऑडियो जो सुनोगे वो काफ़ी आपको क्रिस्टल क्लियर ऑडियो सुनाई देगी। और दोस्तों यहाँ से भी ये एडजस्ट हो जाता है, तो जो हेड है ये भी रोटेबल देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब ये रोटेट भी हो जाएंगे। तो बहुत ही आप कह सकते हैं एक बेहतरीन प्रोफेशनल आपको हेडफोन्स देखने को मिल जाते हैं, क्वालिटी तो इनकी सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर बैक साइड की बात की जाए
तो यहाँ पर आपको माउनो का जो एम है वो मिल जाता है, और यहाँ पर ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है, मतलब ये ग्लॉसी फिनिशिंग टाइप का है। तो क्वालिटी सच में बहुत अमेजिंग है। अब अगर मैंने बात करूँ केबल की, जैसा कि मैंने कहा था कि केबल में काफ़ी एक अलग अमेजिंग चीज़ मिल जाती है, तो यहाँ पर आप इसे ओपन करके जो 3.5 mm जैक है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, और देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों ही जो है इनके हेड जो है वो रोटेट करके आप ओपन कर सकते हो, एंड ये 3.5 mm जैक में भी आप इसे बदल सकते हो। यहाँ पर ये जो एडजस्टमेंट दिया गया है ये इसलिए दिया गया है जैसे कि अगर आप इसे एम्पलीफायर में लगाना चाहते हो या किसी अलग डिवाइस में लगाना चाहते हो जहाँ पर 6 के ऊपर के mm जैक लगते हैं, मतलब 6.5 mm जैक ये जो दिया गया है ये लगता है, तो यहाँ पर आप इजिली इन्हें रोटेट करके इसके ऊपर आप लगा सकते हो एंड डायरेक्ट आपका एम्पलीफायर जो है वहाँ पर प्लग इन कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपका जो हेडफोन है इसमें भी प्लग हो जाएगा, तो देख सकते हो यह हेडफोन पर भी आपका जो है वो प्लग हो जाएगा। और सिर्फ इसी से नहीं, अगर आप डायरेक्ट ऐसे प्लग इन करना चाहते हो, मतलब इसे रिमूव करके भी प्लग इन करना चाहते हो, तो 3.5 mm जैक भी प्लग करना चाहते हो, तो ये भी यहाँ पर ईजिली जो है वो प्लग हो जाता है। देख सकते हो दोनों तरफ यहाँ पर प्लग इन का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप इजिली प्लग कर सकते हो। तो 3.5 mm जैक भी है, और यहाँ पर अगर आप एक एम्पलीफायर में लगाना चाहते हो या एक अलग सेटअप है जिसमें कि यहाँ पर आपका बड़ा जैक लगेगा, तो यहाँ के हेडफोन में आप इस जैक को भी जो है वो डाल सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी मैं चलिए थोड़ा सा गाना सुन लेता हूँ इसमें एंड आपको बता देता हूँ कि कैसे क्वालिटी। हालांकि यहाँ पर जो ईयर मफ दिए गए हैं, जो कुशंस दिए गए हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो सच में बहुत अमेजिंग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कंफर्टेबल हमें मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड फ्लेक्सिबल भी यहाँ पर ये काफ़ी आपको देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लुक्स भी काफ़ी अमेजिंग है। सो दोस्तों हमें जो हेडफोन मिलता है मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है एंड डायरेक्ट इसको मैं लगाता हूँ अपने हेड पे, एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा एंड देखता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो मेरे कान में तो बहुत ईजिली फिट हो गए हैं एंड मैंने अपने फ़ोन से इसे केबल से कनेक्ट कर दिया है एंड अब मैं ज़रा इसको सुन के देखता हूँ कि आखिर में साउंड क्वालिटी कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दोस्तों मैंने इसका साउंड चेक है वो कर लिया है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसकी साउंड क्वालिटी से। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये कोई अगर आप एक म्यूज़िक लवर हो और आप इसमें परमानेंट गाना सुनना चाहते हो, मतलब आप इसे कैरी भी करना चाहते हो एंड गाना सुनना चाहते हो, तो ये थोड़ा सा आपके लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहने वाला है। बट अगर आप एक प्रोफेशनल काम करते हो, लाइक अगर आप गेमिंग की स्ट्रीमिंग करने वाले हो, आपका चैनल है यूट्यूब पे, या आप डीजे में काम करते हो, या मतलब स्टूडियो में काम करते हो, या आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो, या आप कह सकते हो एक वीडियो डायरेक्ट करते हो, शूट वूट करते हो वगैरह वगैरह, तो आप एक प्रोफेशनल वर्क में आप इन हेडफोन का एक बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, जो कि शायद आपको जो नॉर्मल अलग से जो मार्केट में आते हैं वो आपको शायद उतनी अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस ना दे पाए। मतलब ये है कि आप इसमें पूरा पूरा विश्वास कर सकते हो और अपना एक प्रोफेशनल काम जो है बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। ऑडियो काफ़ी बेहतरीन है, जो ऑडियो की मतलब आप कह सकते हो जो क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जो म्यूज़िक है, जो वोकल है, सब कुछ बहुत बैलेंस तरीके से इसमें सुनाई देता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर सुनाई देता है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल हेडफोन है, तो ये अपनी आप कह सकते हो जो क्वालिटी है उसको ये जस्टिफाई करता है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो अभी ये आपको फ्लिपकार्ट पे समथिंग अराउंड मिल रहा है 3,156 रुपीज़ का। दोस्तों अगर आप माउनो की तरफ से आने वाले इन हेडफोन को लेना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या अमेजोन पे भी आप चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।